सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसईटीओजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के टैक्स बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं एनपीएस के ऊपर एक वीडियो कर चुका हूं जिसमें हमने डिटेल में बात करी थी कि एनपीएस स्कीम के फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और वो अकाउंट आप कैसे खोल सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसको जरूर देख लीजिए, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम एनपीएस से रिलेटेड सारे टैक्स बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं जिसमें हम इनकम टैक्स बेनिफिट्स देखेंगे, कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है या नहीं, आप जिस दौरान इन्वेस्ट करते हैं अगर वहां पे पार्शियल विड्रॉल करते हैं तो उस पे टैक्स लगता है या नहीं, आपको फाइनली जो आपका कॉर्पस मिलता है प्लस आप अपनी पेंशन लेते हैं उस पे टैक्स का क्या ट्रीटमेंट है, इन सारी बातों पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ में एक एग्जांपल भी देखेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स बेनिफिट्स की। सेक्शन 80C आपको मालूम ही होगा, उसके अंदर आपको काफी सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपको 1.5 लाख तक की लिमिट मिलती है। इसके अंदर आपका एनपीएस भी एक ऑप्शन है, तो यानी कि आप ईपीएफ और पीपीएफ में जैसे निवेश करते हैं, होम लोन प्रिंसिपल भी आपका सेक्शन 80C के अंदर आता है, ईएलएसएस यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम जिसमें आपका शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट होता है, यह भी आपके सेक्शन 80C के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट देते हैं, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स जो होते हैं आपके, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप कोई भरते हैं, सुकन्या समृद्धि अगर आपने अकाउंट बनवाया हुआ है अपने बच्चे के लिए, ये आपकी अगर कोई बेटी है तो उसके लिए आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, फिर आपकी 5 ईयर की FD होती है जिसपे आपको ये टैक्स बेनिफिट मिलता है, बच्चों की अगर आप ट्यूशन फीस भरते हैं तो वो भी आप टैक्स बेनिफिट यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C के अंदर, और नबार्ड के रूरल बॉन्ड्स भी आपके सेक्शन 80C के अंदर आ जाते हैं। अब यहां पे जानने वाली बात यह है कि ये टोटल मिला के ये जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी जो आपकी लिमिट है वो 1.5 लाख की है, तो सेक्शन 80C के अंदर आपको टोटल मिला के 1.5 लाख की लिमिट मिलती है जिसके अंदर एक ऑप्शन आपके पास एनपीएस का भी है। तो ये जो आपका एनपीएस का ऑप्शन है ये 80C के अंदर एक फर्दर सेक्शन आ जाता है जिसे हम सेक्शन 80CCD1 कहते हैं, तो आप 10% ऑफ योर ग्रॉस इनकम ये आप सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं एनपीएस के अंदर, तो ये आपकी ओवरऑल 1.5 लाख की लिमिट है, लेकिन आप कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 10% ऑफ योर ग्रॉस इनकम एनुअल। चलिए ये तो हो गई खाली सेक्शन 80C की बात कि ये भी एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट यहां पे आ जाता है सेक्शन 80CCD1B, एक और सेक्शन है, यहां पे आपको एडिशनल इस 1.5 लाख के अलावा 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है, तो अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 50,000 की एक साल में एनपीएस के अंदर, तो वो आपको 50,000 का एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं तो आपको इन 2 लाख के अलावा भी एक और एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है, इसका नाम है सेक्शन 80CCD2। यहां पे अगर आपका एम्प्लॉयर जिस भी आप कंपनी में काम करते हैं वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन डालता है, मैं यहां पर क्लियरली लिख देता हूं ये एक्चुअली एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आपका एम्प्लॉयर कोई कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस के अंदर तो अप टू 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी ये एडिशनल आपको बेनिफिट मिल जाता है। यहां पे देखिए कोई लिमिट नहीं है, तो अगर कोई कंपनी आपको ज्यादा टैक्स बेनिफिट देना चाहे तो वो यहां पे आपको 10% ऑफ योर बेसिक का एनपीएस के अंदर बेनिफिट दे सकती है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने पकड़ा है कि ग्रॉस इनकम अगर किसी की 12 लाख की है तो उसकी लेट से 1 लाख रुपए पर महीने की इनकम है, उसमें से बेसिक कंपोनेंट है 50,000 रुपए अगर महीने का, तो एनुअल बेसिक सैलरी हो जाती है 6 लाख। अब मान लेते हैं कि उस बंदे ने सेक्शन 80C के अंदर ऑलरेडी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो बैलेंस वो 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब लेट से एनपीएस के अंदर हमने कहा था कि 10% ऑफ ग्रॉस इनकम तक वो एनपीएस के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है सेक्शन 80C के अंदर, तो यहां पर ग्रॉस इनकम का 10% कितना हुआ, 1.2 लाख। लेकिन क्या आप उसको 1.2 लाख इन्वेस्ट कर देने चाहिए, टैक्स बेनिफिट तो नहीं मिलेगा 1.2 लाख पे, तो यहां पे बैलेंस अमाउंट उसको खाली 50,000 ही करने की जरूरत है, तो यहां पे टैक्स बेनिफिट मैक्सिमाइज करना है तो खाली 50,000 यहां पे इन्वेस्ट करेगा ये बंदा और 1.5 लाख का मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट यहां पे मिल जाएगा सेक्शन 80C के अंदर। एडिशनली ये एनपीएस के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकता है, जैसा हमने यहां पे बात करी थी कि एडिशनली ये 80CCD1B के अंदर 50,000 तक की रिबेट मिल जाती है, तो यहां पे ये एनपीएस के अंदर इस वाले सेक्शन में इंडिविजुअली 50,000 और डाल देता है, तो यहां पे भी टैक्स सेविंग होगी। इसके अलावा लेट से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी, इसकी कंपनी भी थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट देना चाहती है एम्प्लॉयज को कुछ पर्क्स के फॉर्म में,
तो यहां पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसकी कंपनी कर रही है, तो यहां पे कितना मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिल सकता है? 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी है इसकी? 6 लाख। 6 लाख का 10% कितना हो गया एनुअल? 60,000 हो गया। तो 60,000 यहां पे ये एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का इसको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से इसका टोटल एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया एक साल में? 50,000 यहां से हो गया, 50,000 ये एडिशनल वाला हो गया, और 60,000 एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। तो 1,60,000 इसका एनपीएस में इस तरीके से इन्वेस्ट हो गया, और इस तरीके से इसका टैक्स बेनिफिट भी मैक्सिमाइज हो गया। तो ये तो हमने कर ली बात इनकम टैक्स बेनिफिट की। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स की। अगर आप पैसा अपना वापस निकालते हैं, जब भी आप रिटायरमेंट पे जो आपको लमसम पैसा मिलेगा उस पर आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप कोई पार्शियल विड्रॉल करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर जॉब, तब भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। फिर इसके अलावा अगर आप अपना पेंशन फंड मैनेजर चेंज करते हैं साल में एक बार, या फिर अपनी आप स्कीम चेंज करते हैं साल में दो बार तक, तो भी आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो ये हमने कैपिटल गेन्स टैक्स की तो बात कर ली, यानी कि जैसे आप रिटायरमेंट में आपका जितना भी कॉर्पस बनेगा उसमें से आप जितना भी पैसा लमसम निकाल सकते हैं उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जितना भी पैसा आप एन्युइटी की फॉर्म में मंथली पेंशन लेंगे वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगी, और आपका इनकम टैक्स का जो स्लैब होगा उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जितने भी हमने इनकम टैक्स बेनिफिट्स की बात करी है, ये हमने टियर वन अकाउंट की बात करी है, जो आपका पेंशन प्लान होता है। अब यहां पे आपको एनपीएस के अंदर टियर टू अकाउंट भी मिलता है, जो इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, उस पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। अब टियर वन प्लान और टियर टू प्लान के बारे में आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में बात करी है और किस तरीके से आप कितना पैसा अपना कॉर्पस निकाल सकते हैं, कितना आपको पेंशन की फॉर्म में मिल सकता है। इन सारी डिटेल्स के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं इस वीडियो से रिलेटेड या चैनल से रिलेटेड, तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप फ्यूचर वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।